नमस्कार। ब्लास्ट रोग को झोंका रोग या प्रध्वंस रोग भी बोलते हैं। इस रोग के लक्षण पौधे में लगभग सभी भागों में दिखाई देते हैं। पत्तियों में आँख या नाव के आकार के धब्बे दिखाई देते हैं और इनको आप बर्फी का आकार भी बोल सकते हैं। ऐसे धब्बों का बाहर का भाग गहरे भूरे रंग का और अंदर का भाग जो है राख या सलेटी रंग का होता है। बाद की अवस्था में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्तियों को ये झुलसा देते हैं। दूसरे लक्षण में गांठ प्रध्वंस में पौधों पे काले रंग के धब्बे गांठों पे नज़र आते हैं जो उसको पूरी तरीके से घेर लेते हैं और पौधा वहां से टूट जाता है। गर्दन तोड़ इसका एक अलग अवस्था है। इस अवस्था में पुष्प गुच्छ के आधार पर या हम कह सकते हैं कि गर्दन पर काले रंग के धब्बे बनते हैं जो कि पुष्प गुच्छ को घेर लेते हैं और पुष्प गुच्छ वहाँ से टूट जाता है। अगर आपको खेत में ब्लास्ट रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और वो पत्तियों पर है और आपकी क्रॉप 60 से 90 दिन के अंदर की है तो आप साइक्लाजोल 75% WP नाम की दवाई आती है, आप उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और बाद की अवस्था में अगर ये रोग दिखाई देता है तो आप एक कवकनाशी है जो कि टेबिकोनाजोल और ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन का मिक्सचर है, आप उसका 0.5 ग्राम से लेकर 0.8 ग्राम तक प्रति लीटर पानी में डालकर आप इसका छिड़काव करें।